बड़ी खबर, जहां भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का नामांकन। नामांकन से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने की जनसभा। पूर्व सीएम शिवराज सिंह, विश्वास सारंग मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। बताते चलें कि नामांकन का दौर जारी है। चौथे चरण के लिए नामांकन किया जा रहा है। भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा का नामांकन। नामांकन से पहले बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। तो नामांकन से पहले मुख्य बीजेपी यहाँ शक्ति प्रदर्शन कर रही है, तो मुख्यमंत्री द्वारा क्या कुछ कहा जा रहा है सुनते हैं। बीच पधारे माननीय सुरेश पचौरी जी के लिए जोरदार तालियां बजाओ। हमारे अपने परिवार के वरिष्ठ के नाते से वो सम्मिलित हुए हैं इस मंच पर ही विराजमान। हमारी साथी मंत्री बहन कृष्णा जी, जोरदार तालियां कृष्णा जी के लिए, जोरदार तालियां। अपने माननीय आया बहन के लिए अच्छी तालियां बजना चाहिए। हमारे महापौर से महापौर तक क्या संयोग है, त्रिवेणी बनी महापौर की। एक महापौर हमारी मंत्री के रूप में, एक महापौर हमारे बीच में आलोक शर्मा जी जो सांसद के नाते अभी भावी सांसद के रूप में आ रहे हैं, और एक महापौर कांग्रेस से बने थे लेकिन हमारे साथ खड़े हुए। जोरदार तालियां सुनील सूद जी के लिए और उनके साथ में आए सभी पदाधिकारियों के लिए। जोरदार तालियां भगवान दास सवनानी जी, हमारे जिलाध्यक्ष सुमित पचौरी जी, जोरदार। कहां सुमित भाई, तुम इतना शुभंकर हो भाई, परिवार इतना बड़ा हो रहा है। अब हमारे परिवार की हमको चिंता है लेकिन हमसे ज्यादा कांग्रेस वाले क्या कह रहे हैं। उनको रात दिन सपने आते, झटके आते, बिजली के झटके लगते हैं ऐसे, और फिर भी मानते नहीं और कैसी कैसी मूर्खता की बात करते। लेकिन उनके शब्द, उनकी सारी बातें उन तक रखो। हमारा अपना तो भगवान कृष्ण और भगवान की राम की संस्कृति वाले लोग हैं। लोग कह रहे हैं आप आओगे तो कैसे रखोगे। हमने कहा हमारे दूध में शक्कर मिलती जा रही है, इसका आनंद हम उठाएंगे। ये आनंद हमारे बीच में, इसका स्वाद हम ही जानेंगे। जोरदार तालियां पूरे मंच के लिए, सारा भरा पूरा मंच है। और जिस जगह में खड़ा होकर के बोल रहा हूँ, जिस फार्म भरने के लिए हमारे मित्र मंडली जा रही है, मुझे तुरंत यहाँ के बाद भिंड और भिंड के पहले सागर फार्म भरने जाना है। उसमें हवाई टाइम भी आएगा और 3 बजे खत्म हो जाएगी। तो हमने कहा कि हमने तो माता जी के सामने फार्म भरा दिया। जब से माता जी विराजमान हुई हमारा भोपाल में, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के अते पते नहीं लग रहे। ये बिल्कुल ऐसा मौका है कि 25 साल का हमारा अपना अभी तो रिकॉर्ड दिख ही रहा है कि लगातार एक के बाद एक, चाहे कैलाश जोशी जी हो, उमा भारती जी हो, लगातार एक के बाद आलोक संजर जी हो, हमारे कार्यकर्ता जिनने अपने काम की पहचान बनाई और वो राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हो गए, सारे लोगों ने जिस जगह गौरवान्वित किया। हमारे एक ऐसे कार्यकर्ता जिनको जहां खड़ा कर दो वहां दम से अपना चुनाव लड़ने जाते हैं। भाई आलोक जी के लिए जोरदार ताली बजाओ, किसी सीट पे लड़ाओ वही बात नहीं, वो उत्तर वाली सीट है जो हमारी चुनौती थी, वहां दम से लड़ने वाला भी चाहिए। लेकिन जहां हमारी अपनी 100% जीतने की संभावना है, यही तो कार्यकर्ताओं का भरोसा है और यही तो कांग्रेस फेल होती है और हम पास होते हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को उठा करके कहां से कहां पहुंचा देते हैं। ये एकमात्र पार्टी दुनिया की ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ताओं के लिए जानी जाती है। जोरदार ताली बजाओ नड्डा जी के लिए,